सो गाइज, जैसे कि पहला वीडियो अगर आपने देख लिया है, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो महाराज जो नागपुर के थे, रघुजी भोसले, है ना, बहुत ही फेमस नाम है। उन्होंने नागपुर में और नागपुर के बाहर भी काफ़ी सारे मंदिर और बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया है भोसले ने। तो यहाँ पे एक मंदिर नहीं है, ये मंदिर के डिज़ाइन का ऐसा दिखेगा आपको, लेकिन ये समाधि है। और किसकी है वो आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए, श्रीमंत राजे रघुजी राव महाराज, है ना, भोसले। और इनका यहाँ पे तीसरे सेना साहेब करके है, पुण्यतिथि फाल्गुन, ये उस जमाने का कैलेंडर 1676। सो गाइस, ऊपर का भाग देखिए कि कितना सुंदर आकार में बनाया गया है। और ये ऐसे जो गुंबद है, कितने सारे बनाए, 1 2 3, उधर साइड में भी है ना। और बीच में का देखिए कि कैसा बनाया गया है, एकदम पूरा ज़बरदस्त तरीके से बीच का। और इधर साइड में भी वो उधर बनाए गए। और ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन नीचे में जो बनाया गया है इसे, बहुत ही अमेजिंग है और ख़ूबसूरत है। तो आपको ये देखना ज़रूर चाहिए। और यहाँ पे जो पिलर बनाए गए हैं, मूर्तियाँ, ये जो नीचे में आप बेसमेंट देख रहे हो इसका, यहाँ पे जो कारागिरी की गई है मूर्तियों की, चलो हम पहले ये देखते हैं कि कैसे कैसे मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई है। आज जो है इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको इस नीचे से, यहाँ से, और ये एक पहला बेसमेंट है, शायद इसके नीचे और भी रहा होगा, यहाँ मिट्टी डाली गई है इसके लिए, तो ये काफ़ी ऊंचा होगा ऐसा मुझे लगता है ना, क्योंकि ये ज़मीन के लेवल पे नहीं है, ज़मीन की मिट्टी यहाँ पे और भरी गई है, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कंक्रीट रोड भी बना हुआ है, ये बाउंड्री बनी हुई है, इसके लिए इसका गहराई और रही होंगी, क्योंकि डिज़ाइन हमें दिख रही है। तो यहाँ पे ये पहला लाल पत्थर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि घोड़े वगैरह की डिज़ाइन है। तो मैं आपको थोड़ा सा मूर्ति दिखाता हूँ यहाँ पे, कि कैसी कैसी मूर्ति है। ये देखिए, सैनिक है, घोड़े हैं यहाँ पर, और इधर भी घोड़े पे आपको बैठे देंगे। और सब पत्थरों पे अलग अलग आपको यहाँ पे मूर्ति दिखाई दे रही, जो कारागिरी की गई है। देखिए, नक्शी काम भी बोलते हैं इनको ना। देखिए घोड़े, अब सेकंड लाइन में देखिए, देखिए कैसे कैसे आपको दिखाई देंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत है, पूरे आसपास में ऐसे ही। मैं आपको इधर का भी दिखाता हूँ, देखिए अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ऊपर के लाइन में, और ये नीचे में, और यहाँ पे जो पत्थर है, हम लोग थोड़ा सा इसका नीचे से एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ऊपर से और अंदर से भी दिखाऊंगा। ये देखिए, तो इधर यहाँ से चढ़ने के लिए दिया हुआ है रास्ता इसके ऊपर में, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ दिखाई देंगी, यानी ये बहुत सारे बनाए गए उस ज़माने में। देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ हर पत्थर में कोरी गई है, यानी इतना काम किया जाता था उस ज़माने में, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए पूरा आसपास, ठीक है, ये देखिए, मैंने कहा ना कि ये काफ़ी नीचे दब चुका है, इसके लिए यहाँ पे देखो मिट्टी पूरी भर गई है, यहाँ पे पूरा भरण भर दिया गया है। ये एक्चुअली बहुत हाइट है, जैसे कि उधर में हमने देखा है, वैसे ये यहाँ पे भी गहराई बहुत है, लेकिन ये पूरा भरण से भर दिया गया है। देखो इधर में भी नक्शी काम है, अभी पूरा कचरा है, इसकी रख रखाव सही नहीं है इसके लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पत्थर है, ये दूसरा पत्थर है, उसके बाद ये दूसरा पत्थर है, और इसके ऊपर में ये जो पत्थर है, ये भी दूसरा पत्थर है, यानी सब पत्थर जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप के पत्थर लगाए गए इसको बनाने में। और ऊपर का डिज़ाइन आप देखिए, देखिए कैसे कैसे अलग 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 टाइप के, यहाँ पे ऊपर में भी जो कॉर्नर लगे हुए वो डिज़ाइन कैसी है, अलग अलग है। और ऊपर का गुंबद भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर में देखने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि इस फ्लोरिंग पे भी कुछ रहा होगा, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि फ्लोरिंग पे छेद छेद हमें दिख रहे हैं, और कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया। जैसे कि ये देखिए, कालम एक पत्थर से खड़ा किया गया, उसके बाद में डिज़ाइन बनाने के लिए ये पत्थर को साइड से खड़े किए गए हैं, और इस पत्थर से ऐसा पूरा आकार बनाया गया है।
दिखने में एकदम महल की तरह लगता है। यहाँ पे ऊपर में जैसे कि आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी अंक की कड़ी आपको दिखाई देगी जो लोहे की है। ये काफ़ी बड़ी कड़ी है ये देखिए, और पूरा महल की तरह ये दिखाई देता है। उस टाइम में पत्थर को कैसे सिक्वेंस से जोड़ा गया था और देख सकते हो, और बहुत ही अमेजिंग है यार। मुझे तो ऐसा लगता है ये देखते ही रहो, पुरानी चीज़ें इसको कितने बार कैसे देखो ना तो कम है। तो इधर साइड में भी देख सकते हैं पूरा आसपास घूम के, और ये खुला रहा होगा, ये चारों तरफ से इसमें ये जो जुड़ाई है बाद में कर दी गई है इसे, नहीं तो चारों तरफ से ऐसा खुला रहा होगा ये। और इधर में भी, और इधर से पूरा आसपास इसके बनाया गया ऐसा, देखिए पूरा आसपास घूम सकते हैं। और ये पत्थर अलग है ना पूरा। और यहाँ पे जो है मूर्तियाँ थी, जो मूर्तियाँ गायब हो गई, ये देख सकते हो, ये जो बने हुए हैं यहाँ पे मूर्तियाँ थी जो गायब हो गई। और ये देखिए कितना कच्चा हो गया ये पत्थर जो है, ये ऐसा टूट रहा है अभी, इतना कच्चा हो गया पत्थर देखिए। और ये जालीदार देखिए कितना खूबसूरत इसमें जाली पूरी बनाई गई है कूट की, ये हाथों से सब काम किया जाता था। ये यहाँ पे ये खुला रहा होगा या फिर यहाँ से जाली रही होंगी तो टूट गई होंगी, तो उसको भी पैक कर दिया गया है ना। और इधर में भी जैसे कि एक मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, वैसे यहाँ पे एक मूर्ति रही होंगी जो अब नहीं है। ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड में मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे भी नक्शी काम जो है पूरी डिज़ाइन किए गए इस पिलर पे, इतना खूबसूरत यहाँ पे बनाया गया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू देखते हैं। तो अंदर यहाँ पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा हॉल में लाइट वगैरह नहीं है साधन लाइट का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा है। ये पूरा खुला रहा होगा, ये यहाँ पे मूर्तियाँ रही होंगी, जो मूर्ति आज नहीं है गायब हो चुकी है। कुछ मूर्तियाँ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर में, देखिए ऊपर में भी सुंदर मूर्तियाँ लगी हुई है देखिए। और ऊपर का कॉर्नर देखिए कैसा है, ऊपर का पूरा ये लुक जबरदस्त, पूरा अंधारा है डार्क यहाँ पे। पहले ये सब खुला रहा होगा, ये दीवारें नहीं थी तो ये ऐसा खुला था, और बीच में ये समाधि है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है ये यहाँ से एंट्री आने जाने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ से खुला रहा होगा छोटा सा ये ओटा, और ये मेन समाधि महाराज की। कितनी मेहनत की इन्होंने, कितना कुछ किया, और आखिर दुनिया छोड़ के चले गए, सबको एक दिन जाना है। देखिए कितना खूबसूरत है, कितनी मेहनत की थी इन्होंने। सो ये था इनका इतिहास, और ये था उनका स्थल, समाधि स्थल। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग देख पाए। नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, इतिहास बहुत लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में उनकी समाधि कहाँ है ये भी नहीं पता, और समाधि है भी या नहीं है ये भी नहीं पता। लेकिन आज मैंने वो आपको दिखा दिया कि उनकी समाधि आज भी मौजूद है हमारे नागपुर में, और इस तरीके से बनाया गया उनका समाधि का स्थल है ना। सो गाइज फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बस सपोर्ट आपका बनाए रखिए। हम ऐसे नागपुर के बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कतें भी आती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ। आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे हेल्प होंगी, और मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा पाऊँगा गाइस, है ना। प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लोगों को शेयर करें, है ना। बस इतना ही कहूँगा, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।